हेलो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज का ये पार्ट 23 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे फार्मूला टाइप के ये सारे ऑप्शन। तो फार्मूला टाइप में ये यहाँ पर जो यहाँ तक ऑप्शन दिए गए हैं ये फंक्शन की लाइब्रेरी होती है। फंक्शन की लाइब्रेरी मीन्स कि जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जैसे इक्वल टू सम या एवरेज या काउंट काउंट इफ, कोई भी फंक्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो लाइब्रेरी होती है वो यहीं पर होती है। तो हम चाहें तो फंक्शन को इक्वल टू का साइन दे करके यहीं पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मीन्स यूज कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है। तो उसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे और इंसर्ट फंक्शन में जाने के बाद अगर बाय द वे एवरेज इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हम अगर आल फार्मूले सेट करते हैं तो सारे के सारे फार्मूले कंप्यूटर में जो भी हैं सारे शो करेंगे, इस लाइब्रेरी में जो भी फार्मूले हैं यानी कि फंक्शन है। और इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी पड़ी हुई है, फाइनेंशियल खोलेंगे तो फाइनेंशियल से रिलेटेड सारे फंक्शन, डेट एंड टाइम तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड सारे फंक्शन हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज पे क्लिक करेंगे तो जो अभी अभी इस्तेमाल किए होंगे रिसेंटली वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो एवरेज का इस्तेमाल यहाँ से करके देखते हैं, जैसे बाकी तो हम फंक्शन पढ़ ही चुके हैं पीछे, तो एवरेज पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपली दे देना है कि यहाँ पे इक्वल टू एवरेज ऐसा कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हमें सिर्फ एड्रेस देना है इसमें। तो एड्रेस हम यहाँ से और यहाँ तक इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो सिंपली उसको हमने ड्रैग करके हम लोग उसका एड्रेस दे दिया और ओके कर दिया तो ये तुरंत एवरेज निकाल देगा। मतलब सिंपल सा है कि हम चाहें तो इंसर्ट फंक्शन में जा करके वहाँ से फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को, या फिर इक्वल टू का साइन दे करके भी हम किसी भी फंक्शन को यहाँ पर इस तरह से लिख करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फंक्शन, फिलहाल तो ये फंक्शन की लाइब्रेरी है, ये इधर जो दी गई है ये कैटेगरी है अलग अलग, ये मोस्ट रिसेंटली यूज किए गए हैं, ये फाइनेंशियल हैं, ये लॉजिकल फंक्शन है, ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड है, लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। इंसर्ट फंक्शन में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, कैटेगरी के साथ भी मिल जाती हैं, और बस वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन की गई है, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं है क्योंकि ये फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है इनका। और अब हम आगे के ये कुछ जो ऑप्शन न्यू हैं ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन नेम, तो डिफाइन नेम में जो जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं इसमें से सबसे पहला है डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम से क्या होता है, तो डिफाइन नेम से जैसे हमें पता है कि ये 2000 का एड्रेस क्या है C3 और इसका एड्रेस क्या है C4 पता है हमें। अब ये एक रेंज एड्रेस है यानी कि C3 से और C11 तक, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ C3 से और बीच में ये रेशियो का साइन और C11, तो ये जो लिखा है हमने ये इसका एड्रेस है। तो बाय द वे मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पर हमें बार बार हर एक फंक्शन या फार्मूले में हमें इस एड्रेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, बार बार C3 रेशियो C11 बार बार लिखना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसका कोई अपनी तरफ से नेम डिफाइन कर देते हैं, यानी कि इतने ब्लॉक को या इतने टेबल को हम कोई अपना नेम दे सकते हैं अपनी तरफ से, तो वही होता है डिफाइन नेम। तो हम क्या करेंगे, जितने डेटा को नेम देना है सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ डिफाइन नेम में जाने के बाद यहाँ पर आप उसको मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे सैलरी नाम देना चाहते हैं तो सैलरी दे दीजिए, केवल एस देना चाहते हैं तो केवल एस दे दीजिए। तो फिलहाल इसका नाम मैं सैलरी ही दे देता हूँ, सैलरी। और रेफर्स टू, यहाँ पर जब हमने सेलेक्शन किया है तो ये ऑटोमेटिक इसका एड्रेस यहाँ पर आ चुका है, इसका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है और इसे सिंपली हम ओके कर देंगे। तो अभी इसका जो नेम है वो सैलरी हो चुका है, करने के लिए हमने क्या किया था, सिंपली सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम में गए, नेम दे दिया सैलरी, ओके कर दिया, इसका नाम सेट हो गया। अब अगर हम कहीं भी इसका इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसको हमें सम करना है यानी जोड़ना है, तो सम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे। और पहले हम क्या करते थे, इसका एड्रेस देते थे फिर इसका एड्रेस, अभी क्या करना है, केवल यहाँ पे सैलरी लिख देना है, यहाँ पे केवल सैलरी लिख देना है और एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक ये जोड़ लेगा क्योंकि सैलरी में इसका एड्रेस दिया गया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डिफाइन नेम से क्या होता है। उसके बाद अगला है यूज़ इन फार्मूला। तो यूज़ इन फार्मूला मीन्स ये है कि हम इक्वल टू लगा करके भी सैलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या भूल गए हैं कि इसका हमने नाम क्या रखा था तो हम सिंपल यहाँ यूज़ इन फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने नेम दिए होंगे वो दिखाई देंगे। तो फिलहाल तो अभी तो एक ही नाम दिया है तो इसका नाम सैलरी है,
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और अभी इस पर क्लिक किया, सैलरी को इंसर्ट कर लिया, तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डिफाइन नेम और यूज इन फार्मूला से क्या होता है। उसके बाद है क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, तो इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है इसलिए इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, नहीं करना है। न्यू मैनेजर, तो न्यू मैनेजर से क्या होता है कि जितने भी नेम हमने डिफाइन किए होंगे अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो न्यू मैनेजर में जाकर के, यहाँ पर एक ही नाम है तो एक दिखाई दे रहा है, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, और न्यू बनाना है तो न्यू भी यहीं से बना सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसको एडिट करके चेक करते हैं, सिलेक्ट किया, एडिट पर क्लिक किया, तो एडिट में यहाँ पर नेम बदल सकते हैं या चाहो तो उसका एड्रेस भी बदल सकते हो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है, बस छोटी सी चीज़ है। डिफाइन नेम से किसी भी एरिया को हम एक अपना नेम दे सकते हैं, जैसे हमने इस एरिया को एक बार और दूसरा नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, ओके कर दिया, तो इसका नाम ए हो चुका है। तो इसके बीच में हम कोई भी संख्याएं लिखें और इसका इस्तेमाल अगर हम कहीं भी करते हैं तो सिर्फ ए लिखने से ही इस्तेमाल में आ जाएगा। अब इसका यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, तो जब बहुत बड़े डेटा टेबल होते हैं, जैसे वी लुकअप एच लुकअप फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो डेटा टेबल होती है, डेटा टेबल हमें पता है कि बहुत बड़ी हो सकती है, हज़ारों स्टूडेंट की या हज़ारों व्यक्ति एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि पूरी टेबल को सेलेक्ट करके एक नेम डिफाइन कर देते हैं और फिर वी लुकअप और एच लुकअप में उसको आसानी से हम कितनी भी बार ज़रूरत पड़े इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये होता है डिफाइन नेम। उसके बाद अगला है ट्रैक प्रेसिडेंट। तो ट्रैक प्रेसिडेंट से क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला एडिटिंग में जो फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है ट्रैक प्रेसिडेंट, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें देखना है कि ये जो आंसर आया है वो कहाँ से आया है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ट्रैक प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत बता देगा कि ये यहाँ से इस तरह से मतलब टोटलिंग आई हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 20 और ये लिख दिया 50 और ये इस तरह से बहुत सारे नंबर हमने यहाँ पे इधर उधर लिख दिए और इक्वल टू साइन लगा के हमने इसको प्लस कर लिया, इसको प्लस कर लिया, इधर प्लस कर लिया, इसको प्लस कर लिया और एंटर कर दिया, तो अब ये 75 ये आंसर कहाँ से आया है, किन संख्याओं को जोड़ने के बाद आया है, ये क्लियरली पता नहीं चल रहा। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रैक प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत बता देगा कि कौन कौन सी सेल इसमें इंक्लूड है। और दूसरा जो ऑप्शन है तो इसमें सिंपली क्या होगा, यहाँ पे देखिए एरो उधर से इधर को आ रहा है और अगर इस पर क्लिक करेंगे एक सेकेंड, ये वाला पहले हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए सिंपली हम रिमूव एरो पर क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा। तो अगर देखना है कि 20 तो इसको डिपेंडेंट्स पे देखा जाता है, मतलब ये ट्रैक प्रेसिडेंट्स था और अगर डिपेंडेंट्स देखना है कि ये चीज़ किस पे डिपेंड है तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तुरंत बता देगा कि ये यहाँ पे यूज़ में लिया गया है। और अगर इसको चेक करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया किसी भी फार्मूले में। तो बस यही है, तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। रिमूव एरो से एरो रिमूव किए जा सकते हैं, जो एरो होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद सो फार्मूला, तो सो फार्मूला में क्या होता है कि जब हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू सम, तो हमें पता है कि इस सेल में वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू है और एक्चुअल में इसमें क्या लगा है, फार्मूला लगा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ना आए, हम जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला ही लगा रहे, क्योंकि क्या होता है कि ये फार्मूला जब लगाते हैं और फार्मूला लगाने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम वैल्यू नहीं चाहते, हम सिर्फ फार्मूला ही चाहते हैं, तो सिंपली सो फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला जो है वो शो होगा, यहाँ पे फार्मूला शो होगा एंड मतलब वैल्यू नहीं दिखाई देगी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सो फार्मूला से जैसे टिक हटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है एरर चेकिंग। तो एरर चेकिंग में क्या होता है कि अगर कोई फार्मूले में तुम आपको डाउट है कि कोई सिंटैक्स एरर है या कोई लॉजिकल एरर तो हालांकि नहीं दिखाएगा, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर या कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई एरर है तो हम उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं एरर चेकिंग में जाके। तो फिलहाल तो अभी बता रहा है द एरर चेक इज कम्प्लीटेड फॉर द एंटायर सीट, मतलब इसमें कोई एरर जो है वो नहीं है, अगर होती तो इंडिकेट करता एक छोटे से साइन के साथ में। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, एरर चेकिंग अपने आप भी ऑटोमेटिक एरर चेकिंग करता है। उसके बाद अगला फार्मूला है एवेल्यूएट फार्मूला।
इवेल्युएट फार्मूला से क्या होता है कि इसको हम करके चेक करते हैं, आप ज़्यादा समझ में आएगा। तो इवेल्युएट फार्मूले से यहाँ पर दिखाई देता है कि जो इसमें फार्मूला लगा है एक्चुअल में वो क्या है, सम C3 C11। और जैसे ही हम इवेल्युएट पे क्लिक करेंगे तो ये आंसर देगा, यहाँ पे वैल्यू देगा। तो कुछ खास इसका इस्तेमाल नहीं है, बस यही है हम ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन है या जो फार्मूला है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये होता है इवेल्युएट फार्मूले से। तो ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया और जैसे ही इसको हम एवेल्युएट करते हैं तो ये तुरंत आंसर दे देता है कि ये वैल्यू है। अगर इस फंक्शन ने किसी दूसरे स्टेप से वर्क किया होता तो वो भी यहाँ पे दिखाई देता। उसके बाद अगला ऑप्शन है वॉच विंडो। वॉच विंडो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, ऐसा इसलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वॉच विंडो से क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए सीट टू पे चले गए और यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो सीट वन का जो डेटा है वो देख नहीं पाते, और हमें सीट वन का डेटा सीट टू पे काम करते करते देखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस डेटा को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई दूसरा डेटा तैयार कर रहे हों, यानी बार बार हमें इसमें देखने की जरूरत पड़ रही हो। तो सिंपली हमें क्या करना है, वॉच विंडो का इस्तेमाल करना है, वॉच विंडो पे क्लिक करना है और ये वॉच विंडो ऊपर आ जाएगी, या इसको कहीं भी मूव करके रख सकते हैं। और इसमें हमें सिंपल ऐड वॉच पर क्लिक करना है। ऐड वॉच पर क्लिक करने के बाद हमें एड्रेस दे देना है कि कितना डेटा शो होना चाहिए, तो पूरा ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये सारा डेटा यहाँ पे शो होगा, या सारा डेटा कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको पहला सेलेक्ट किया, डिलीट करने के लिए सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं, फर्स्ट पे क्लिक किया और लास्ट पे जाके कंट्रोल और शिफ्ट दोनों के साथ सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। तो ऐड वॉच में जाते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ दो रिकॉर्ड को ऐड करते हैं और ऐड, तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं, अनूप 2000 सैलरी है, नीरज 3000 सैलरी है। अब हम सीट टू पे भी अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो विंडो है ये दिखाई देगी, अगर इसको आप ऊपर सेट करना चाहते हैं तो ऊपर सेट कर सकते हैं। अब इसको देखते हुए आप सीट टू पे या सीट थ्री पर या कहीं पर भी काम कर सकते हैं एक्सेल की वर्कशीट पे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, वॉच विंडो ऑफ करने के लिए सिंपली ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑप्शन। तो कैलकुलेशन ऑप्शन में हमें पता है कि एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जैसे ही हम वैल्यू चेंज करते हैं, अगर फार्मूला लगा है, जैसे हमने यहाँ पर 2500 किया, तो जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर वैल्यू जो थी वो चेंज हो गई है। अगर 5 कर देते हैं तो देखिए वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, बट ये ऑटोमेटिक हो रहा है, हमें पता है कि वैल्यू चेंज करते ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। लेकिन हमें ऑटोमेटिक अपडेट अगर नहीं करना है तो सिंपली हमें कैलकुलेशन ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक से मैनुअल पे क्लिक कर देना है। तो अब मैनुअल में होगा ये कि अब अगर हम वैल्यू बदल चेंज करते हैं तो यहाँ पर जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये ऑटोमेटिक नहीं चेंज करेगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू बदल रहा हूँ बट यहाँ पे नीचे अपडेट फार्मूला जो है वो अपडेट नहीं हो रहा। अगर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर हमेशा के लिए ऑटोमेटिक ही करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन हम मोड जो इसका है वो मैनुअल ही रखना चाहते हैं बट सिर्फ इसी को कुछ मतलब अपडेट करना चाहते हैं एक स्टेप के लिए, तो आप इसको कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। बट फिर से अगर आप चेंजिंग करते हैं तो ये फिर आपका अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट नाउ सिर्फ एक बार कैलकुलेट करता है, नहीं एक बार अपडेट करता है। ऑटोमेटिक लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक फिर से वापस हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद कैलकुलेट सीट। तो कैलकुलेट सीट से क्या होगा, इस सीट में जहाँ जहाँ भी फार्मूले लगे होंगे सारे अपडेट हो जाएंगे। कैलकुलेट नाउ से सिर्फ एक ही फार्मूला यानी जिस पे क्लिक कर रखा है वही अपडेट होता है, कैलकुलेट सीट करेंगे तो सारे फार्मूले अपडेट हो जाएंगे। जैसे कैलकुलेट सीट किया तो इस सीट पर देखो यहाँ पर मैंने क्लिक नहीं कर रखा था फिर भी ये अपडेट हो चुका है। तो वापस अगर इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं तो ये फिर से उसी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से काम करने लगेगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फार्मूले में हमने यहाँ पर डिफाइन नेम, फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन, ये तीनों ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं। बाकी ये फंक्शन की लाइब्रेरी होती है, फंक्शन को इस्तेमाल करना हम काफ़ी पहले सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने फार्मूला टाइप देखा और अगली वीडियो में हम डेटा टाइप के सारे ऑप्शन कवर करेंगे एक एक करके। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।